नमस्कार दोस्तों, ताज़ा खबरों में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ऐलान, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महत्वपूर्ण ऐलान किया है, शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, चूहों के बिल में अगर पानी डालो तो एक साथ छटपटा कर बाहर भागते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। राहुल गांधी जी ने देश के सामने हिंदू और हिंदुत्ववादी का जब से अंतर स्पष्ट किया है, हिंदुत्ववादियों की टोली में अफरा तफरी मच गई है। इन पाखंडियों की वर्षों की नफरत की दुकान बंद हो रही है। बापू को गाली देकर समाज में विष वमन करके अगर किसी पाखंडी को लगता है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे तो उनका भ्रम है। उनके आका भी दोनों सुन ले, भारत और सनातन संस्कृति दोनों की आत्मा पर चोट करने की जो भी कोशिश करेगा, न संविधान उसे बख्शेगा न जनता उन्हें स्वीकार करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्म संसद में महात्मा गांधी पर विवादित बयान देने वाले बाबा कालीचरण के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है, मामले में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए। बता दें कि राजधानी के रावणभाटा ग्राउंड में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण बाबा ने विभाजन के लिए महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए नाथूराम गोडने का महिमामंडन किया था। इस बयान के बाद निगम सभापति प्रमोद दुबे ने FIR तो PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।